ये युवा शिक्षा नियति नियत और नीति, तो इसमें अभी जब जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि अभी हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला जी, उन्होंने बजट पेश करते वक्त एक आंकड़ा दिया था कि मतलब जो बच्चों के उसको लेके एडमिशन को लेके कि कितने लड़के और कितनी लड़कियां जो है वो किए हैं, उन्होंने एक आंकड़ा दिया था और उस आंकड़े का कोई वेरिफिकेशन तो हुआ नहीं क्योंकि उन्होंने कहा और ये बात सुनी है, तो मैं थोड़ा सा ही जानना चाहता हूँ उन्होंने जो आंकड़ा दिया उससे आप लोग कितना सहमत हैं, वो कितना सही है सर? देखिए पहले मुद्दे को समझ लें, हम लोग नियत को समझ लें। सत्ता की नियत कभी भी शिक्षा देने की नहीं होती और न रहेगी। अगर सत्ता के चरित्र को हम समझें तो ये बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि सत्ता शिक्षा में कुछ नहीं करने वाली है, बल्कि जो करने वाली वो ये है कि लोग शिक्षित हो न जाएं कहीं, लोग समझदार नहीं हो जाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो खतरा है वो तो युवकों से है। सत्ता को हमेशा खतरा ही युवकों से है और शिक्षा का संबंध युवकों से, इसलिए सीधी सी गणित है। अगर युवक देश के समझदार हो गए तो सबसे ज्यादा चुनौती देने वाले सत्ता को युवक ही तो होंगे। इसलिए बजट क्यों ज्यादा दिया जाए, मैं बजट की बात कर रहा हूं, बजट क्यों ज्यादा दिया जाए? अगर बजट दे दिया गया और कहीं कोई क्वालिटी पैदा होगी शिक्षा में तो फिर संकट ही संकट है सत्ता को। इसलिए बजट की बात भूल जाइए। बजट वैसे भी आंकड़ों की, पिछले हम लोग 8-10 वर्ष से आंकड़ों की दुनिया में बहुत बहकाए जाते रहे, भरमाए जाते रहे, इसलिए इन आंकड़ों की बात छोड़िए। GDP के आंकड़े हमारे सामने हैं और टैक्सेशन के हमारे आंकड़े हैं, बजट के आंकड़े हैं। बजट एक जुमला है, इसलिए बजट के उन तथ्यों में जाने की कोई जरूरत नहीं। बजट एक परसेप्शन बनाना है सरकार के बारे में, वो परसेप्शन कैसे बने? ये बजट इकोनॉमिक बजट नहीं है, ये तो हमेशा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। हमारा जो 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 बजट होता है वो इकोनॉमिक नहीं होता, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और इसलिए उसको पॉलिटिकली ढंग से देखने की जरूरत है। बहुत सही सर, लेकिन मैं एक चीज़ और जा, क्योंकि युवा और आपने जो कहा कि नीति को समझने की ज़रूरत है, पिछले कुछ वर्षों में विशेषकर पिछले 4-5, रोहित वेमुला की मौत के बाद हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब उन्होंने आत्महत्या की और उनकी चिट्ठी आई, उसके बाद से लगातार हमने ये देखा है कि देश भर के तमाम, चाहे JEE हो, अलीगढ़ हो, या जो जिस तरह के हमले बड़े हैं और उसको जस्टिफाई किया गया, जो आपने कहा कि सत्ता की तरफ से वो नहीं चाहती है, तो इस जो यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया गया और कुछ खास जैसे BHU से लेके JEE से लेके तमाम चीज़ों को टारगेट किया गया और उस टारगेट को सत्ता की तरफ से जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है, तो जो शिक्षा ना देने की बात, बजट ना देने की बात जो आपने कही वो नहीं चाहती, लेकिन ये जो टारगेट अब किए जा रहे तो इसके पीछे क्या मंशा है सरकार की? देखिए मैंने जो पहले बात कही वो साफ है, हर सत्ता यूनिवर्सिटी की जागरूकता को टारगेट करेगी, ये समझ लेना चाहिए। ये उनको युवकों को समझ लेना चाहिए और युवकों के अभिभावकों को भी समझ लेना चाहिए, इसमें कोई नई बात नहीं है, हर सत्ता ऐसा करेगी। थोड़ा उठा करके दे देखिए, आप सब लोग मालूम है जब इमरजेंसी लागू की गई थी, इमरजेंसी के पहले कौन किन्होंने सिर उठाया था? वो स्टूडेंट ही तो है, वो जो गुजरात से जो मूवमेंट शुरू हुआ और बिहार में गया और अल्टीमेटली झक मार करके इमरजेंसी लागू करनी पड़ी, उसी इंदिरा गांधी को जिन्होंने कहा था गरीबी हटाओ और वो गरीबी नहीं हटा पाई, तब फिर छात्रों ने विद्रोह किया, वही आज स्थिति है। आज फिर से वो जो जुमला था उस जुमले का विरोध किया था युवकों ने और उसके बाद में उनका दमन किया गया था, वो स्थितियां आज फिर मौजूद है। आज फिर यूनिवर्सिटीज में जहां जाए, अभी विद्रोह कहां शुरू हो रहा है? यूनिवर्सिटी से शुरू हो रहा है, युवकों से शुरू हो रहा है। ये उस शिक्षा को जो थोड़ी बहुत समझ बची है, वरना ये समझ दो दृष्टियों से खत्म हो गई युवकों की। मैं शिक्षक हूं, 50 साल से पढ़ा रहा हूं, आज भी सुबह 1 घंटे पढ़ा के आया हूं, रोज पढ़ाता हूं, इसलिए मेरा सीधा उस युवकों से संवाद है। आप में से हो सकता काफी लोग शिक्षा से डायरेक्टली जुड़े हुए होंगे, ये मेरा अनुभव है।
कि लगातार बच्चे की एनालिटिकल प्रोसेस में उसकी समझ में डिटरेशन होता जा रहा है। युवक लगातार उसकी समझ, समाज की समझ, व्यक्ति की समझ, जिंदगी की समझ लगातार कमजोर होती जा रही है और ये कमजोर की गई है। उसके पास विश्लेषणात्मक क्षमता है ही नहीं और इसीलिए तो ये हो गया। किसी पार्लियामेंट का इलेक्शन और केवल पाकिस्तान के आधार पर और पार्लियामेंट के इलेक्शन हो जाए उसी युवकों के द्वारा, कहां गई युवकों की हमारी विश्लेषण क्षमता? उसको नष्ट कर दिया गया। उसके पास में जिंदगी में सही विश्लेषण करके निर्णय लेने की क्षमता खत्म कर दी गई है। ये एजुकेशन की स्थिति हो गई है। एजुकेशन दो चीजों में चपेट में आ चुका है। एक सत्ता की चपेट में तो शुरू से है ही, सत्ता तो विकसित होने नहीं देती शिक्षा को, लेकिन दूसरा है बाजारवाद, जो बहुत से निजीकरण हुआ है। इस निजीकरण शिक्षा में इस बाजारवाद ने नष्ट कर दिया शिक्षा को। तो एक तरफ सत्ता के राज्य के केंद्र में जो स्कूल सर कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर समझ को विकसित नहीं किया जा रहा। वहां जिस प्रकार से सेंट्रलाइजेशन है सिलेबस का, वहां पर जिस प्रकार से रटे रटाए ढंग से प्रश्नों को पढ़ना और उत्तर लिख देने का जो परीक्षा पद्धति है, उसने सब कुछ चौपट कर दिया है। और दूसरी तरफ बाजारवाद में जिस प्रकार से डिग्रियों को बेचा जा रहा है, उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसकी वजह से बाजारवाद में शिक्षा वहां खत्म हो गई है। तो हम दोनों तरीके से हमारा युवक मारा गया है, दोनों तरफ से। और इन दोनों स्थितियों से अगर हमने नहीं बचाया तो प्रदेश नहीं बचेगा। अगर हमने युवक की शिक्षा को बाजारवाद से नहीं बचाया और सत्ता के उस चंगुल से नहीं बचाया तो फिर शिक्षा नहीं बचने वाली है। ये मैं प्रारंभिक बात कहना चाहता हूँ, फिर हमारे और दूसरे साथियों से बात करें। मैं आपने निजीकरण की बात भी की है और मैं थोड़ा सा इससे, जैसे आपने कहा कि आप पढ़ाते हैं रोज और पढ़ा के आए हैं, तो मैं इसमें शिक्षकों की जो भूमिका है, जब हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में शिक्षकों में भी दो गुट बन गए हैं। एक जो सत्ता की तमाम चीज़ों को समर्थन करते दिखे गए हैं खुले तौर पे, हमने JNU में देखा, BHU, बाकी जगह पे जो भी वाइस चांसलर रहे हैं उन्होंने उस तरह से जो सरकारी जो पक्ष है उसको रखा है, और जिन टीचरों ने लिया है, जिन्होंने छात्रों का पक्ष लिया तो उनको उनके ऊपर भी कुछ तरह की मतलब जो कार्यवाही की गई है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। तो जो शिक्षा में जो आपने कहा कि छात्रों को इस तरह से किया जा रहा है, उनकी सोचने की शक्ति को ख़त्म कर दी गई है, तो इसमें शिक्षकों की जो भूमिका है वो उसको किस तरह से आप देख हैं? देखिए, मैं अब आपको कुछ बिल्कुल डिफरेंट एक आपको पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। और वो पर्सपेक्टिव ये है कि जो बेसिक एजुकेशन का जो पर्पस है वो हमारे पास डिफाइंड नहीं है। हमने क्योंकि पिछले हजारों साल से, सैकड़ों साल से गरीबी हमारे दिमागों के अंदर छाई हुई थी, तो आजादी के तत्काल बाद या आजादी से जस्ट पहले भी हमने हर बार केवल एक बात सोचा कि शिक्षा और रोजगार, शिक्षा और रोजगार, क्योंकि गरीब को रोटी भी चांद की तरह दिखती है। हमने कभी भी ये बात नहीं सोची कि अगर एजुकेशन है तो एजुकेशन एक साइंटिफिक टेम्परामेंट इवोक करे इंसान के अंदर, एक नॉलेज एक किंडल हो अंदर से, उसके ऊपर कभी भी बात नहीं हुई। और पहली तो हम लोग लड़ाई, सच्ची बात है, 1952 में ही हार गए। पंडित जी कि मैं भावनाओं के ऊपर कभी प्रश्न नहीं उठाता क्योंकि वो एक वास्तव में एक विजनरी इंसान थे, मगर पहली जो पंचवर्षीय योजना बनी उसके अंदर ही एजुकेशन की जगह हमने इंडस्ट्री और दूसरी बार मूलभूत उद्योग एंड एग्रीकल्चर के ऊपर पहली में और दूसरी में आपकी बेसिक इंडस्ट्री पे ध्यान दिया। जबकि इन रियल सेंस पूरे वर्ल्ड की आप हिस्ट्री उठा के देखिएगा, जहाँ भी क्रांतियाँ आई हैं, चाहे आप मेजी इरा का जापान की बात करें, या आप अर्ली 19th सेंचुरी की आप इंग्लैंड की बात करें, या बिस्मार्क वाले जर्मनी की बात करें, क्रांतियां बेसिकली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से आती हैं। और एजुकेशन का पर्पस क्या है, व्हाट द पर्पस ऑफ एजुकेशन? तो जब तक पर्पस ऑफ एजुकेशन को आप रीडिफाइन नहीं करेंगे, एंड दैट इज साइंटिफिक टेम्परामेंट, आप साइंटिफिक टेम्परामेंट पर काम नहीं हुआ है। अभी आपने जो बात फरमाई कि एक इशू के ऊपर, एक इमोशनल इशू के ऊपर हम
इलेक्शन जीत जाते हैं, इलेक्शन हार जाते हैं, और ये लगातार हो रहा है, ऐसा नहीं कोई पहली बार हो रहा है। अगर आप पहले भी यार बात करेंगे तो कुछ स्लोगन्स के ऊपर इलेक्शन जीते गए हैं। रीज़न इज बिंग, पहला चीज़ जो पर्पज होना चाहिए था एजुकेशन का, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो, एक विश्लेषणात्मक बात डेवलप हो, एनालिटिकल स्किल डेवलप हो, ये हमारी एजुकेशन कर ही नहीं रही है अभी भी। क्योंकि मैं एक इंस्टीट्यूशन को रन भी कर रहा हूँ, एजुकेशन के अंदर जब भी कोई इंसान आता है वो केवल एक बात पूछता है, एंड सिंपली वन क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज कि ये डिग्री करने के बाद मेरे बच्चे को रोजगार मिल जाएगा क्या। कोई भी आदमी ये नहीं पूछता कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस डिग्री क्या वो इस चीज का वास्तव में ट्रू सेंस में मास्टर बन जाएगा क्या, उस जो नॉलेज जिस चीज के लिए आया है उस नॉलेज को अटेन करेगा क्या। तो नतीजा ये निकला, क्योंकि शायद इसके पीछे हमारा अर्थशास्त्र था, क्योंकि उससे पहले कॉलोनियल सरकारें, उससे पहले हमारी सामंतवादी सरकारें, उसमें गरीब एक बहुत एक बुरी पोजिशन में था। तो नतीजा निकला हमारे सबके दिमागों में कल रोटियां घर कर गई, और रोजगार रोजगार और रोजगार। तो जो नॉलेज से जो एक इग्नाइट होना चाहिए वो चीज़ इतना ज़्यादा इग्नोर्ड है कि बस पूछिएगा नहीं। और नतीजा क्या निकलता है, आप डिग्रीज को आप ब्लेम कर रहे हैं। क्वेश्चन एक है कि जो बच्चे डिग्री लेने आ रहे हैं उनके पर्पस आपने पहले से डिफाइन कर दिए, ऑल आर कमिंग फॉर सिंपली वन थिंग एंड दैट इज एम्प्लॉयमेंट। आप इसको एम्प्लॉयमेंट अभी भी आप अगर कन्वेंशनल ढंग से बात करें तो लोग कहेंगे जी आप शिक्षा को रोजगार से जोड़िए, शिक्षा को रोजगार से जोड़िए। शिक्षा के मायने हमारे शास्त्रीय जो विचारक थे उन्होंने कहा था या शिक्षा या विद्या वह विमुक्त है, सा विद्या या विमुक्त है। तो विद्या वो है जो विमुक्त करे आपके प्रिजुडिस से, विमुक्त करे आपको आपके अंधविश्वासों से, विमुक्त करे आपके उन चश्मों से जो वाम और दक्षिण के हैं। क्या कुछ ने वाम के चश्मे लगा लिए, कुछ ने दक्षिण के चश्मे लगा लिए। तो जैसे तांगे के घोड़े होते हैं कि कुछ के पास लेफ्ट का चश्मा है तो उसको दूसरी चीज़ें नहीं दिख रही, जिसके पास दक्षिण का चश्मा है उसे भी दूसरी चीज़ें नहीं दिख रही। तो जब आप तटस्थों को जब प्रतिबद्ध करने लगेंगे, जब तटस्थ प्रतिबद्ध होने लगते हैं तो फिर आप समझ लिए वो एक नए ढंग का प्रेजुडिस है, एजुकेशन एक प्रेजुडिस पैदा कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, स्टेट का काम कभी भी, या स्टेट ही नहीं इवन एजुकेशनिस्ट का भी काम ये नहीं होना चाहिए व्हाट टू थिंक। ये हमारा काम नहीं है कि हम बच्चों को ये कहें व्हाट टू थिंक, हमारा काम केवल इतना सा है हाउ टू थिंक। हम केवल हाउ टू थिंक को जब तक एजुकेशन का बेसिक डोमेन नहीं बनाएंगे कि बच्चे ये समझना चालू करें कि उन्हें सोचना कैसे है, उसके लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट। व्हाट टू थिंक का मतलब है कि हम भी उन्हें चश्मे पहना रहे हैं, कुछ जो दक्षिणपंथी विश्वविद्यालय हैं वो दक्षिणपंथ का चश्मा पहना देंगे और जो वामपंथी विश्वविद्यालय हैं वो वामपंथ का चश्मा पहना देंगे। अच्छी तरह समझ लीजिए, कल्याण न दक्षिणपंथ में न कल्याण वामपंथ में, दोनों ही चीज़ें पूरी दुनिया के अंदर फेल्ड विचारधाराएं हैं। आप उन्हें स्वय विवेक उनका जागृत होने दीजिए, उनमें साइंटिफिक टेम्परामेंट जागृत होने दीजिए, उन्हें अंधा न अंधश्रद्धा रखें, न वो अंध निंदा करें किसी की, न आप तो वचनों के अंदर बिलीव करें कि ये चीज़ अंबेडकर ने बोल दी थी, ये चीज़ गांधी ने बोल दी थी, कोई भी चीज़ आप तो वचन नहीं है। हेल्दी क्रिटिक्स के अंदर सब लोग आने चाहिए, एवरीबडी हर इंसान। तो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट एक डेवलप होता, एक डिबेट्स होती, डिस्कोर्स होती, डिसेंट होती, और उन सब चीज़ के लिए रिस्पेक्ट होती। तो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और ये अच्छी तरह समझ लीजिएगा, आप विश्वविद्यालयों के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ये काम होना है प्राथमिक शिक्षा के अंदर। मगर प्राथमिक शिक्षा के अंदर आपका केवल एक लक्ष्य बन गया है, सार्वभौमिकरण। वहाँ कहीं भी आप बजट्स की बात ही करें, किसी भी एजुकेशन आप सरकारों के बजट की बात करें, आप ये बताइएगा सरकारी बजटों के अंदर जितना भी पैसा खर्च किया जा रहा है, अब राजस्थान सरकार की बात ही करें, परसों बजट आया 18,000 करोड़ उन्होंने खर्च किया, बहुत हैंडसम अमाउंट है, नो डाउट अबाउट इट। बट प्रश्न यहाँ ये है कि इन 18,000 करोड़ के अंदर सैलरी की मत पर कितना है, और जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके स्किल डेवलपमेंट पे कितना है। तो पता लगेगा कि ये 18,000 करोड़ के अंदर से 17,990 करोड़ रुपया केवल सातवें और आठवें वेतन आयोगों के जंजाल में फंसा हुआ पैसा है, टोटल मनी जो स्किल डेवलपमेंट पे क्योंकि नवाचार के बिना ये काम नहीं होगा। आप नवाचार पे क्या काम करें, प्राइमरी एजुकेशन, देखिए उच्च शिक्षा पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये अकेले पॉलिटिकल इशू है। रोहित वेमुला की बात करें या JNU की बात करें, BHU की बात करें, दे ऑल आर पॉलिटिकल एजेंडा, अपने अपने एजेंडाज हैं। आप इस शिक्षा को उससे मत उसमें जाने दीजिए। प्रश्न केवल इतना
सा एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो. प्रश्न इतना है कि आपका जो टीचर है वो प्रॉपर स्किल्ड हो, उसको खुद को पता हो हाउ टू थिंक, कैसे इनकलकेट करना है, कैसे इम्बाइब करना है. सर, ये जो बातें मिस हो रही है, आपने जो बातें की, थिंग्स आर गेटिंग मिस, बेसिक है और इसे सहमत हुआ. लेकिन आपने जैसे कहा कि चश्मे, एक्चुअली चश्मा दिखाने वाले भी, बेसिक एजुकेशन की तो बात होती है. मैं आपको बता दूं, मैं हैदराबाद में था और मैंने उस्मानिया के कॉलेज में मैंने एक साल पढ़ाया वहाँ पे, मैत्री कॉलेज में. तो मैंने जो आप देखा, जो निजी कॉलेजेस हैं उसमें उस तरह की चीज़ें हैं कि उनका, आपने जो कहा ना कि जैसे आते हैं वो इसीलिए आते हैं, उनको डिग्री चाहिए और उसके बाद वो जॉब के लिए उनकी प्लेसमेंट होती है, वो जाते भी हैं. जो बेसिक एजुकेशन की बात आप कर रहे हैं, तो आपने जो कहा स्किल डेवलप, मतलब टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर उनको कैसे ट्रेन किया जाए. लेकिन जब जो पॉलिटिक्स आप कहते हैं, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, तो ये शुरुआत जैसे आपने शुरू में अपनी बात कही कि जो क्रांति आती है, सर ने भी कही कि क्रांति जो आएगी वो छात्र ही करते हैं, जो बदलाव जो आते हैं. तो बिना अगर पॉलिटिकली जो भी होंगे छात्र, वो जैसे भी तैयार होते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाने के बाद जब वो सोचने लगते हैं जो चीज़ें करते हैं, तो उसको पॉलिटिसाइज जो है वो सत्ता के लोग ही करते हैं ना, टीचर्स तो नहीं करते. पहली बात देखिए, एक बात और बता देता हूँ मैं, हालांकि मंच बाजारीकरण के खिलाफ है, इसमें अलग बात है, और सर ने निजी क्षेत्र के खिलाफ काफ़ी एक अटैक भी किया है. मैं आपके बता देता हूँ पूरी दुनिया भर के, एक तो इतिहास आप उठा के देखिए, आप नालंदा विश्वविद्यालय को सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं थी, एक निजी कुछ लोगों का एनजीओस का ऑर्गेनाइजेशन था. तक्षशिलावाज अगेन एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन था. अकेडमी की बात करें, आप एरिस्टोटेलियन अकेडमी की बात करें, तो वो भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही, अकेडमी हो चाहे लाइसियम हो या हॉवर्ड हो या कैम्ब्रिज में, आप हॉवर्ड की बात कर लें आप, या आप येल की बात करें, स्टैनफोर्ड की बात करें. क्योंकि देखिए, सरकारों के अपने एजेंडा होते हैं. सरकारें, कुछ का एजेंडा भगवा पहनाने का होगा आपको, और कुछ का जो है वो डिफरेंट ढंग की चीज़ों की बैशिंग का होगा. वो अपनी अपनी एजेंडाज हैं, और उन एजेंडा के अंदर वो ये मानते हैं, हर जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि हम राष्ट्र कल्याण कर रहे हैं. जो भगवा पहनाने वाले लोग हैं वो कहते हैं हम राष्ट्रवाद का चोला पहना रहे हैं आपको. जो दूसरी ढंग की जो बात कर रहे हैं वो कहते हैं हम आपको प्रगतिशील बना रहे हैं. यहाँ आप बच्चों को अपने आप डिसाइड करने दीजिए, लेट स्टूडेंट डिसाइड देमसेल्फ कि उनके लिए क्या ठीक है और क्या गलत है. स्टेट के नैरेटिव्स किसी भी स्टेट के हों, एट द एंड ऑफ द डे स्टेट नैरेटिव केवल कंफ्यूज एक सोसाइटी को पैदा करती है. और जिन क्रांतियों की बात भी मैंने अभी भी आपसे निवेदन की है, वो क्रांतियां वैसे नहीं हुई जैसी आप सोच रहे हैं. अगर आप अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें, या अगर आप, मैंने अभी आपको पहले ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात की है, तो वो रिवॉल्यूशन वैसे नहीं हुई है, रोहित वेमुला सॉर्ट ऑफ रिवॉल्यूशन नहीं हुई है. उन रिवॉल्यूशन के अंदर पहला जो स्टेप है वो है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो, इवॉल्व हो, और एक ऐसा साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो जहाँ पूरे देश की लिए एक कॉमन एजेंडाज एक सेटों की. अभी तो हमारे सब चीज़ें, आप ये सोचिए ना कि कभी मंदिर पे इलेक्शन हो जाते हैं हमारे यहाँ, बिल्कुल, कभी हमारे यहाँ इलेक्शन एक पाकिस्तान वर्ल्ड के ऊपर हम चुनाव करवा देते हैं. तो हमने पूरे देश को इतना भावनात्मक बना दिया है. अब वो एक दीगर बात है, कुछ लोग एक ढंग से भावनात्मक होते हैं, कुछ चीज़ दूसरे ढंग से भावनात्मक होते हैं. यहाँ हम केवल, मैं आपको केवल इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत थी, जिस पे नहीं दिया जा रहा है. वहां केवल आप एनरोलमेंट के अलावा कोई बात नहीं करना चाहते. होना ये चाहिए कि प्राइमरी एजुकेशन की पीडागोगी पे काम हो, उसके मेथोडोलॉजी पे काम हो, उसके भी आप सिलेबस आप मत तय करिएगा. जब आप सिलेबस तय करती है सरकारें, तो फिर सिलेबस वही एजेंडा सेटिंग हो जाती है. एजेंडा सेटिंग किसी को भी करने का राइट नहीं होना चाहिए. आप टीचर्स को इतना एम्पावर कीजिएगा कि टीचर एनालिटिकल स्किल कैसे डेवलप करे, उसके लिए खुद कैरिकुलम बनाए, खुद अपना सेलेबाई बनाए, और उस चीज़ को आगे बढ़ने दीजिएगा. एट द एंड ऑफ द डे, जब तक आप टीचर को क्लास के अंदर एम्पावर नहीं करेंगे, पहले स्किल से एम्पावर करें. मगर द मोमेंट ही गॉट एम्पावर थ्रू स्किल, फिर उसके बाद उससे आगे काम के लिए उसको आप प्रेरित करें. आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट चीज़ें बदल जाएंगी और आप किसी भी विकसित समाज से भी ज़्यादा विकसित हो जाएंगे. नहीं, आपने जो बातें कही उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और वो सहमत हूँ. लेकिन जो आपने बात कही मैं सर से उस पे आगे बात करना चाहूँगा. जैसे अभी दिल्ली में जो चुनाव हुए हैं उसमें मुख्य मुद्दा एजुकेशन भी एक मुख्य मुद्दा था, स्कूलों के लेके उसकी स्कूलों में जितने सुधार हुए या 22,000 नए कमरे बनाए हैं, एजुकेशन एक मुख्य मुद्दा था चुनाव में. और उसमें उन्होंने कहा कि हमने इस पे पानी बिजली और इन चीज़ों पे हमने चुनाव जीता. एजुकेशन को कहा कि पहली बार एजुकेशन को लिया गया. दूसरी बात, दूसरे राज्यों से ये रिपोर्ट जो आपने कहा कि बेसिक जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें स्कूल ड्रॉप जो रेट है, और तेलंगाना से लेके तमाम दूसरे राज्यों में ये आंकड़े आए कि कई हज़ार स्कूल वहाँ बंद कर दिए सरकार ने, जो सरकारी स्कूल थे बेसिक जो है,
दूसरी बात है कि उनका जो टीचरों की जो ट्रेनिंग है या दूसरी जगह पे ये आया कि कई टीचरों को कई महीने से सैलरी नहीं दी गई है, जो आपने बात कही वो बातें हैं, लेकिन ये कौन करेगा इसके लिए? क्या टीचर जो होंगे या अभिभावक मुहिम छेड़ेगी सरकार पे, किस तरह से दबाव हो जो बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन में सुधार लाने के लिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बात चल रही थी अभी भी, उस बात से अपनी बात को जोड़ने से पहले मैं सिर्फ दो पंक्तियां आपको समर्पित करना चाहता हूं। हो कोई तालीम ऐसी कि झरने फूटें, हो कोई तालीम ऐसी कि झरने फूटें, परिंदों की तरह चहचहाए बच्चे ऊंची और ऊंची उड़ान भरें। ये जो बात मैं कह रहा हूं, एक बच्चा सारी शिक्षा लेने के बाद जब वो कहीं काम करता है, किसी भी क्षेत्र में करता है, तो वहां वो जो उसको काम देता है उसके लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती कि उस बच्चे ने परीक्षाएं किन श्रेणियों में पास करी थी। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो ये कि वो जो उसका एम्प्लॉई है वो क्या दे रहा है, क्या कर रहा है, उसका आउटपुट क्या है। तो ये जो आउटपुट की बात मैं कह रहा हूं, ये कहां से आएगा? ये डिग्रियां लेने से नहीं आता है, और इसके लिए मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो है संज्ञानात्मक क्षमता, कॉग्निटिव कैपेसिटी। एक एजुकेशन, एक शिक्षा यदि सीखने, समझने और उसे संप्रेषित करने की क्षमता विकसित करती है तो वो सही मायने में शिक्षा है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, सीखने, समझने और इसको संप्रेषित करने की अगर क्षमता बच्चे में विकसित हो जाती है तो शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो जाता है। और ये संज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव जो कैपेसिटी है इसको डेवलपमेंट के लिए हम लोग ले जाते हैं। मैं कुछ चीज़ें और शेयर करना चाहता हूं अलग से। 6 साल तक राजस्थान लोक सेवा आयोग में चेयरमैन के रूप में या मेंबर के रूप में जब मैंने काम किया, हजारों बच्चों के जब इंटरव्यू लिए, तो पिछले दिनों जब कॉलेज लेक्चरर के इंटरव्यू हो रहे थे तो मैंने एक सवाल बच्चों से मैं पूछता था कि प्रदेश के कोई 5 वाइस चांसलर बताइए। मुझे हैरानी होती थी कि जो बच्चा लेक्चरशिप के लिए इंटरव्यू दे रहा था उसको 5 वाइस चांसलर के नाम पता नहीं थे। मैं सोचता हूं ये उस बच्चे का दोष नहीं था, ये उन वाइस चांसलर्स का मामला था जिनके कोई कद नहीं थे। अगर उनके कद होते तो उनके नाम भी होते, और उनके नाम होते तो बच्चे वे नाम जान भी जाते। ये जो एक बात मैंने कही, इससे सिस्टम समझ में आता है कि कहाँ गड़बड़ है सारी। और गड़बड़ तो इतनी बड़ी है कि अभी आप कह रहे थे कि शिक्षा का जो निजीकरण है, इस देश में तो शिक्षा रही निजीकरण के पास। जो आपके आश्रम थे या जो भी कुछ थे या जो सारी जो झांसी चीज चली है वो पूरा निजी मामला था, व्यक्तिगत मामला था पूरा, वहाँ हर किसी की एंट्री थी ही नहीं। तो इस देश की संस्कृति ने, इस देश के सारे उस सिस्टम ने तो एजुकेशन को किल करने का काम किया है। ये जो आपके पास 70 साल या 72 साल या 75 साल की आज़ादी है, इसमें ये थोड़ी सी हवा चली है, बाकी तो स्थिति बहुत ख़राब थी आपके सामने। मैं फिर लौटता हूँ बात पर आ रहा हूँ कि ये जो इस समय की जो दुर्दशा है
उसके पीछे मैं दो चीज़ों को देखता हूँ। एक तो मैं देखता हूँ ब्यूरोक्रेसी को और दूसरा मैं देखता हूँ व्यापार को। ये ब्यूरोक्रेसी और ये व्यापार, इन दोनों ने शिक्षा को हाईजेक कर लिया है। अभी आप बात कर रहे थे दिल्ली की, वहीं से एक सगुफा निकल के आया कि नो बैग डे, मतलब एक ऐसा कोई दिन हो जहां नो बैग डे। अब ये नो बैग डे का जो सगुफा है, इसमें कितनी नेगेटिविटी है, ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। अगर आप एक दिन ऐसा रखना चाहते हैं जिस दिन बच्चा अपना बस्ता लेकर स्कूल नहीं जाए, तो इसको आप क्रिएटिव डे भी तो कह सकते हैं। अब क्रिएटिव डे कहना और नो बैग डे कहना, इन दोनों में फ़र्क समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम कहते हैं नो बैग डे, इसका मतलब कहीं ना कहीं नकारात्मक जो ध्वनियां हैं वो मौजूद हैं, और अगर हम कहते हैं सृजनात्मक दिवस तो हम सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं। तो अगर आप सकारात्मक होंगे, आप चीज़ों को देख उस ढंग से लेंगे, तो चीज़ें वैसा ही रूप भी ले लेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें हमको तत्काल बदलने की ज़रूरत है। देखिए, अल्टीमेटली शिक्षा जो है वो कॉग्निटिव, उससे उसका जो अगर विकास हो जाता है तो वो अपना रोजी रोटी का जरिया ढूंढ ही लेगा, इसकी चिंता करने की बात नहीं है। पर जो मौजूदा स्थिति है, उस स्थिति में जैसे जो भर्तियां हैं, उन भर्तियों की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत जटिल है, और किस प्रकार से एक बच्चे की दुर्गति होती है कल्पना नहीं की जा सकती। मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो इस व्यवस्था को चाहिए कि वो भर्तियों में जो इंटरव्यू होते हैं उन इंटरव्यू को बंद कर दें, क्योंकि ये जो इंटरव्यू हैं, ये जो साक्षात्कार हैं, ये एक तरह का बहुत बड़ा झंझाल है और बच्चे की जो योग्यता है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है और कहीं गड़बड़ करता है, बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं इससे। तो आपने कम से कम एक फाइनल स्टेज तो ख़त्म कर दी, और इसमें करने में कहाँ दिक्कत आ रही है। मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि इस ये जो इंटरव्यू वाला मामला है, 5 मिनट के अंदर आप उसको रिजेक्ट और सेलेक्ट करते हैं, कितना बड़ा मजाक करते हैं। फिर कौन लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, एक ये भी एक देखने की चीज़ है। एक मेंबर आपने चुन दिया, वो सिंपली बीए पास है, और वो बीए पास मेंबर जो है वो आरएस भी चुन रहा है, वो डॉक्टर भी चुन रहा है, वो इंजीनियर भी बना रहा है, और वो सेलेक्ट भी कर रहा है और रिजेक्ट भी कर रहा है। तो आप चूंकि कहते हैं ये पॉलिटिकल नियुक्ति है, तो कोई बात नहीं, पॉलिटिकल नियुक्ति नहीं, पॉलिटिकल ढंग से भी तो आप अच्छे लोगों को ले सकते हैं, और लेकर कम से कम एक काम तो कर लीजिए कि इंटरव्यू बंद कर दीजिए, ताकि ये जो आप अन्याय करते हैं ये बंद हो जाएगा, और एक बच्चा जो मेरिट के बेस पर जो चीज़ अंक प्राप्त करता है उसके बेस पर उसको नियुक्ति मिल जाएगी। मुझे याद आता है अच्छी तरह, राघव साहब आपको याद होगा कि जब हम एमए करते थे तो उस समय कॉलेज एजुकेशन में एक सिस्टम था कि जो बच्चा मेरिटोरियस है वो जो टेम्प्रेरी लेक्चरशिप हुआ करती थी वो उसको दे दी जाती थी। और मुझे अच्छी तरह पता है कि जब मैंने एमए किया था, मेरे पास अच्छे अंक थे, तो हुआ ये कि मेरे पास एक टेलीग्राम आया था कि आप जाकर अमुक कॉलेज में अमुक पद के को ज्वाइन कर लीजिए। ये कितनी सुखद स्थिति है, और एक उस बच्चे की स्थिति देखिए आप कि सारी मशक्कत करने के बाद वो अधर में झूलता रहता है। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए फिर एक बात दोहरा देना चाहता हूँ कि ये जो शिक्षा वाला मामला है, ये कहीं हमको ऊपर से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, इसको नीचे से हमें शुरू करना होगा। और मैंने कहा कि ये जो नो बैग डे वाला मामला है, नो बैग डे क्या, बल्कि हमको एक लाइन में मैं कहूँ तो हमको सृजनात्मक जो शिक्षा है उसकी तरफ जाना चाहिए, ताकि बच्चा अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा। सर आपने, मैं आपसे कंटिन्यू करूँगा एक सवाल जो आपने वीसीओ के बारे में कहा, जो वाइस चांसलर के बारे में, जैसे आपने कहा कि नियुक्तियों में, क्योंकि वो वीसी उस काबिल नहीं थे, तो उनकी भी नियुक्ति जो करते होंगे तो उन पर भी ये प्रश्न आता है जो उनकी नियुक्ति करते हैं? उन पर ये प्रश्न नहीं आता है, इसलिए नहीं आएगा उनके पर प्रश्न। देखिए लोकतंत्र है, और वो लोकतंत्र वो एक परीक्षा पास करके आते हैं, जो परीक्षा निर्धारित है जनप्रतिनिधि की, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए हैं, तो हम उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। और ये भी एक बात समझने की ज़रूरत है कि
सिस्टम जो है उसको तो हम स्वीकार करेंगे ही ना, लोकतंत्र है तो वोट पड़ेंगे, जनता चुनेगी और जनता का जो प्रतिनिधि है फिर उसके पास जो पावर है वो तो इस्तेमाल करेगा ही ना, लेकिन वो अपने विवेक का इस्तेमाल करे तो बेहतर है। और चूंकि पहले जो राजनेता होते थे उनका अपना एक कद होता था तो चीज़ों को समझते भी थे, अब जिस प्रकार का स्टफ वहाँ भी आ रहा है तो गिरावट तो दिखाई दे रही है। वही जवाब जो चाह रहा था। लेकिन सर आपने एक बात जो कही नोबैक वाली, जो हम लोग छोटे थे टीवी पे आता था एडिट एजुकेशन के बारे में कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं, जब मर्जी शुरू हो जाए, दूरदर्शन पे आते थे तो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे जो मैं जब स्कूल में पढ़ता था दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि देखो एक विज्ञापन आता है उसको दो तरीके से लिया जा सकता है, जैसे बच्चा देखेगा कहेगा बेटा पढ़ो तो कहेगा अभी क्यों पढ़ो, कह तो रहा है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं, जब मर्जी शुरू हो जाना। ये उन्होंने ऐसे ही हमको समझा था, ये कहा क्लास में। तो जो आपने बैग वाली बात कही वो सही है कि इसको इस जो नाम दिया जाता है उसको उस तरह से लिया जाता है, जैसे उसको क्रिएटिव डे भी कह सकते हैं। इसके बाद जो आपने बाकी बातें कही, जो कुल मिला के जो शिक्षा की अंधेरी जो गली की बात कही, तो कुल मिला के जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि जो हमारी जो बेसिक एजुकेशन है उसमें बदलाव की या उसमें जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करने की और बाकी चीज़ें लाने की ज़रूरत है, यही बात आप कह रहे हैं। देखिए ज़्यादा गर्मरन के सुना था कि जैसे अमेरिका जैसा देश ये है वहाँ पर जो स्कूल शिक्षा है उस पर बहुत बल देते हैं वो लोग, और एक प्रोफेसर उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना कि एक स्कूल टीचर होता है, और एक स्कूल जहाँ बस जाता है उसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्कूल शिक्षा है उसकी तरफ हमको जाने की ज़रूरत है, आधारभूत जो काम है वो करने की ज़रूरत है। और एक बात और कह देता हूँ कि ये जो पुस्तकें हैं इन पुस्तकों का मानकीकरण करने की भी ज़रूरत है। बाज़ार में बड़ी अराजकता इन किताबों को लेकर है, किसी ने बिल्कुल स्थिति में कई बार कहा करता हूँ कि एक दुकान है जिस पर जलेबी बन रही हैं, एक दुकान है जहाँ पर साइकिल का पंचर निकल रहा है, और एक अगली दुकान है जहाँ पर किताबें छप रही हैं। उस किताब छापने वाले से पूछा जाए कि भैया तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं तो धंधा करता हूँ। यानी हमने वो जो किताबें छापने और बेचने का जो काम है उसको खुले उसमें छोड़ दिया। पाठ्य पुस्तकें या संदर्भ पुस्तकें इनका मानकीकरण करना कितना ज़रूरी है इसको आज तक इस देश ने नहीं समझा। क्या ये देश कह सकता है कि ये एक इतिहास की किताब है ये मानकीकृत है, ये एक समाजशास्त्र की किताब है मानकीकृत है? आपकी कोई भी किताब मानकीकृत नहीं है। एक अराजकता की स्थिति कि जिसने जो चाहा, मतलब स्थिति ये हो रही है कि 10 किताबों से 11वीं किताब एक टीचर लिख देता है, बड़ी स्थिति अजीब सी है, और उसको कोई कहने सुनने वाला नहीं है कि आपने क्या लिखा, क्या है क्या नहीं वगैरह। तो किताबों का मानकीकरण स्कूल लेवल पर भी होना चाहिए और हायर एजुकेशन के लेवल पर भी होना चाहिए। काउंटर करना चाहते हैं भाई, अगर आप ये बताइए कि अगर आप मानकीकरण कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपने एक नियंत्रण की एक व्यवस्था कर दी, और नियंत्रण मानकीकरण करेगा कौन? अभी की एक दूसरी बात है, आप सब वर्तमान में अगर मानकीकरण की बात आती है तो पता लगा मानकीकरण के नाम पे चीज़ों का भगवाकरण हो गया। दूसरी बार अगर कोई दूसरे लोग आते हैं तो पता लगा मानकीकरण के नाम पे सारी किताबें लाल हो गई, फिर पता लगा मानकीकरण के नाम पे सारी किताबें नीली हो गई। तो यहाँ प्रश्न एक है कि अगर आप मानकीकरण करेंगे तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के डोमेन के अंदर सरकार का वो इंटरफेरेंस आप इन्वाइट कर रहे हैं जो कि आप और मैं आपको ये बता देता हूँ, कुछ चीज़ें अनार्की वाली अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें क्योस इज़ बेटर देन रेगुलेशन। वर्ल्ड वाइड ये फिनोमेनन है, अगर एजुकेशन के अंदर आप चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की चेष्टा करेंगे, आप ये कहेंगे ये मानकीकरण है या पढ़ेंगे तो आप वही बेकूफ़ी कर रहे हैं। कौन सी वाली जो मैंने अभी बोला था, वॉट टू थिंक एजुकेशन का पर्पज होता ही नहीं, हाउ टू थिंक एजुकेशन का पर्पज होता है। पूरे वर्ल्ड के जो फिलोसोफर्स हैं, एजुकेशनल फिलोसोफर्स, इस बारे में कंसेंसस रखते हैं, लोगों को अपने ढंग से समझने की आप शक्ति विकसित होने दीजिएगा, अपने आप बच्चा समझ जाएगा वॉट इज रॉन्ग वॉट इज राइट। अगर आपने ये स्टेट बताना चालू कर देगा ये पढ़िए ये मानकीकृत है, दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज हिस्ट्री, आप कहने वाले कौन होते हैं? आप पूरे इतिहास को देखिएगा कि अगर आप पूरे सालों, अगर आप 11वीं शताब्दी से इतिहास को देखते हैं, हर स्टेट ने एक मानकीकृत इतिहास की किताब लिखाने की चेष्टा की। मैं मिनहाजुस सिराज से बात करना चालू करता हूँ, मिनहाजुस सिराज ने एक किताब लिखी और वो किताब लिखी गई नासिरुद्दीन के ज़माने के अंदर, बलबन से जस्ट पहले।
स्टेट की किताब थी, पता लगा उन्होंने स्टेट को ग्लोरीफाई कर दिया। फिर शम्स शफीफ की बात करें, फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में लिखी, फिर फिरोज शाह तुगलक ने तुझके फिरोज शाह ही लिखी, या आप उसके बाद अब अबुल फजल की आप बात करें, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा, अगेन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ हिस्ट्री। अबुल फजल के अंदर वो हिस्ट्री लिखते वक्त ऐसी बातें लिखते हैं कि अकबर इतने चमत्कारी इंसान है। अगर आप ये करेंगे तो पता लगा किसी ने मानकीकृत इतिहास के नाम पे, मानकीकृत सिलेबाई के नाम के ऊपर वर्तमान प्रधानमंत्री के साथ भी ऐसे चमत्कार की घटनाएं और उन किताबों में लिखी होंगी। आपको मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि मानकीकृत जो लिखने वाले होंगे उसका पैनल कौन डिज़ाइन करेगा? उसका पैनल अभी की स्टेट ही करेगी ना, और वो स्टेट क्या करेगी वो हम अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए उसमें अनार्की रहने दी जाए। मेरे ख्याल से अनार्कियोस एजुकेशन या नॉलेज के मामले में हमेशा बेटर होता है। रूस ये बेवकूफ़ी कर चुके हैं सोवियत संघ के अंदर कि उन्होंने उसको किया क्या कि ये चीज़ें रेगुलेटेड होंगी। रेगुलेटेड का मतलब है आप नॉलेज को सफोकेट कर रहे हैं, लेट नॉलेज कम। हम तो उस वैदिक मंत्र के मानने वाले हैं जहाँ वो कहते हैं आनो कृता भद्रा यस्तु विश्वंस, कि नॉबल थाट्स जो दूसरों को पराभूत करने वाले हों वो हर दिशा से हमारे पास आए, आने दीजिए, लेट देम कम। हमारे पास के लिए एनालिटिकल स्किल हो, हमारे बच्चे में एनालिटिकल स्किल हम पहले से डेवलप करें, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें, उसे पता हो क्या सच है और क्या गलत है। देखिए आज भी एक बात बहुत सच है, इस भारत के अंदर बच्चों के लिए स्कूल एजुकेशन के लिए अगर अच्छी पुस्तकें किसी ने तैयार करी हैं तो वो एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी की किताबें पूरे देश में पढ़ी जा रही हैं बच्चों के द्वारा। तो हम ये मान लें, मैं आपकी बात को एक छूट दे देता हूँ, वो ये कि हायर एजुकेशन के लेवल पर जाकर आप ये छूट ले लें, क्योंकि वहाँ एक बच्चे के पास ये क्षमता होती है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो इधर उधर टकरा के अपना रास्ता ढूंढ लेगा। लेकिन स्कूल एजुकेशन में जहाँ तक सवाल है, वहाँ हमको कहीं ना कहीं चीज़ों को तय करना पड़ेगा, वहाँ हम बच्चे को बाजार के हवाले नहीं कर सकते, ये करना उसके साथ अन्याय है। एनसीईआरटी ने सारा काम किया और एनसीईआरटी जैसी जो एजेंसी हैं वो उनका योगदान को मानना चाहिए। इसी प्रकार से इस दिशा में और काम करने की हमको ज़रूरत है। एनसीईआरटी के बारे में जो आपने कहा कि मैं वही इनसे सर से पूछना चाह रहा था, क्योंकि इन्होंने को इन्होंने इनकाउंटर किया था आपको, तो नहीं, अब देखिए ना, अगर आप एनसीईआरटी की बात ही करें एक बार के लिए, कल इतिहास के ऊपर बात करते हैं, तो एक ज़माना था रामशरण शर्मा, सतीश चंद्रा, हरिवंश मुखिया, इन लोगों के द्वारा लिखी गई किताबें थीं। अब नई सरकार आई तो उन्होंने उसको अपने ढंग से रिराइट करना चालू कर दिया, तो ये राइटिंग देन रिराइटिंग, राइटिंग रिराइटिंग के चक्कर में तो बल्कि बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। एक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि सतीश चंद्र ज़्यादा सही कह रहे हैं या आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ज़्यादा सही कह रहे हैं, तो ये एक अलग ढंग की कन्फ्यूजिंग स्टेट है। हर स्टेट के अपने हिस्टोरियन, पर सर हर स्टेट के अपने सोशोलॉजिस्ट, हर स्टेट के अपने एजुकेशन, जो आप कह रहे हैं उससे एक मतलब हद तक आप जो कह रहे हैं सही है, लेकिन जो सर कह रहे हैं उससे सहमत इसलिए हुआ जा सकता है क्योंकि जो छोटा बच्चा होगा, जो स्कूल का होगा, उसके लिए तो एक स्टैंडर्ड जो तैयार करेगी उसकी एक संस्था होगी, पैनल तो होगा, मतलब जो मगर फिर भी देखिए मेरी बात सुनिए। अब एक बार आप दक्षिण पंथियों की आलोचना के बारे में बात करते हैं, दक्षिण पंथियों की प्रमुख आलोचना यह है कि कहीं भी इतिहास के अंदर, जब मध्यकालीन इतिहास की बात ही करें, तो उनका यह कहना है कि पहले वाली सरकारों ने उन सारे इंसिडेंसेज को इंटेंशनली छुपा के रखा जहां इंडियन फोर्सेज कॉन्करिंग थी, जीत रही थी। वो कहते हैं लचित बोरफुकन के ऊपर आपने एक चैप्टर नहीं रखा, जबकि उसने मुगल आर्मी की पूरी ईस्टर्न कमांड को उसने राउट कर दिया था। अब कहीं ना कहीं ये बात उनकी गलत नहीं है, मैं आपको ये बता देता हूं। वो कहते हैं मार्तंड वर्मा को आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, तो कहीं ना कहीं उनकी बात बिल्कुल आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कारण एक है, हर स्टेट की अपनी नैरेटिव होती है। तो स्टेट्स के आस पास पूरी पूरी एजुकेशन को हैंड ओवर कर देने का मतलब है आप इंडॉक्ट्रिनेटेड स्टूडेंट्स फाइंड आउट करेंगे। इंडॉक्ट्रिनेटेड मतलब कभी राइट के जो है इंडॉक्ट्रिनेटेड बच्चे होंगे और कभी लेफ्ट के इंडॉक्ट्रिनेटेड बच्चे होंगे। मैं इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूँ, जो मन से पहले नीचे मैं मेरे मित्र से कर रहा था, कि हमें भाषाओं के माध्यम के ऊपर भी जरूर चर्चा करनी चाहिए कि एजुकेशन का मीडियम क्या हो और विशेषकर प्राथमिक शिक्षा में क्या हो। तो प्राथमिक शिक्षा के अंदर जब तक आप वास्तव में हमारी जो स्थानीय भाषाएं हैं आप उसको, आपको बहुत ज़्यादा आपको वेटेज
देना पड़ेगा विशेष. देखिए अब यहाँ भी आपको थोड़ा स्ट्रेटिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ आपका बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको आप उसकी स्थानीय भाषा में आप शिक्षा के लिए आप प्रेरित करिएगा, हिंदी में, इवन राजस्थानी, वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, या जो भी आपकी स्थानीय भाषाएँ हैं उसके ऊपर वास्तव में एक बात होनी चाहिए. क्योंकि शिक्षा नीति के ऊपर जब आप बात कर रहे हैं और अगर आप माध्यम के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं तो मैं मानूंगा कि ये चीज़ें चर्चा थोड़ी सी आदि. बिल्कुल बिल्कुल, माध्यम के लिए तो बहुत पहले से जो आप कह रहे हैं वो बहुत पहले से बात हो रही है. नहीं नहीं, बट एक समस्या आई है छोटे बच्चों के अंदर भी, ये बात आ रही है कि छोटे बच्चों का ऊपर हम विदेशी भाषाओं को थोप रहे होते हैं. आप थोपने का समय रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं इस बात को बहुत बखूबी जानता हूँ कि अगर किसी भी इंसान को अपने रिसर्च वर्क को पब्लिश कराना है, वर्ल्ड वाइड कराना है, उसको स्कोपस में अपने पब्लिकेशन लाने हैं, वेब ऑफ साइंस में लाने हैं, या डिफरेंट ढंग के पूरे विश्व के मंचों पर अपना काम करना है, तो वहाँ उसे अंग्रेजी चाहिए. इवन फ्रेंच लोगों के लिए भी समस्या आ गई, जर्मन के लिए भी समस्या है, चाइनीज को भी अपना रिसर्च वर्क इंग्लिश में करना पड़ रहा है. बट कम से कम एलिमेंट्री एजुकेशन, उसके ऊपर अगर अपने आपकी जो स्थानीय भाषाएं हैं उसके अंदर अनुवाद का काम जो 50 के या 60 के दशक में हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं एक विराम लगाए, तो वहाँ एक काम हो, स्थानीय भाषाएं हो, एनालिटिकल स्किल हो. और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह है ट्रेन द ट्रेनर्स. जब तक आपके टीचर्स ट्रेन नहीं होंगे, बजट का बड़ा हिस्सा आपको टीचर्स की ट्रेनिंग पे खर्च करना पड़ेगा. आपने कुल्हाड़ा तो बहुत महंगा खरीद लिया सर, मगर उस कुल्हाड़े को शार्पन करने के लिए आप 5 पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो लकड़ी नहीं कटेगी. आपको ट्रेनर्स की ट्रेनिंग पे काम करना पड़ेगा. ट्रेनर्स की ट्रेनिंग के अंदर उस पेडागोजी के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी, उस शैक्षणिक विधियों के ऊपर बात करनी पड़ेगी जिसमें बच्चों में इनोवेशन आए, क्वेश्चनिंग आए. देखिए क्वेश्चनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट क्वेश्चनिंग की एक प्रॉब्लम है कि जब क्वेश्चन करने लगता है बच्चा टीचर से चालू करके और फिर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से भी क्वेश्चन करने लगता है और स्टेट इस चीज से डरता है. तो इसलिए क्वेश्चनिंग का कॉन्सेप्ट बच्चों में आने ही नहीं देता. तो डिसिप्लिन के नाम पे आप क्वेश्चन को सफोकेट करते हैं, आप सिलेबस के नाम के ऊपर फ्री फ्लो ऑफ नॉलेज को आप सफोकेट करते हैं, आप बुक्स के नाम के ऊपर आप इंडॉक्ट्रिनेट करने की कोशिश करते हैं. इन सब चीज़ों से अगर मुक्ति मिले तो मैं मानता हूँ सा विद्याया विमुक्तये, जो एक एजुकेशन का बेसिक पर्पज होता है, वो उसमें हम अचीव करने में कामयाब हो सकते. टैगोर बहुत पहले फ्री माइंड और एजुकेशन की बात करके गए थे. मैं आप लोगों से अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो. एक मिनट मैं आपको माइक, प्रश्न किससे पूछना वो बता देना सर. यो इंग्लिश की बात अभी की है, सारे यूरोप में कहीं भी इंग्लिश नहीं है, इवन फ्रांस में भी नहीं है. फ्रांस में तो वो जब बात करते हो आप इंग्लिश में तो कहते हैं नो इंग्लिश. जापान में नहीं है, चाइना में नहीं है, और जो हमारे भाषाएं हैं हमारे खासकर पंजाबी है, 350,000 शब्द हैं पंजाबी के पास, इंग्लिश के पास इतने शब्द ही नहीं है. और जो साइंस की जो इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो पंजाबी में की जा सकती है, हिंदी में की जा सकती है, फिर इंग्लिश की क्या बात करने की ज़रूरत है. एक प्रश्न तो ये है. दूसरा प्रश्न जेड़ा है वो हिस्ट्री की जो बात कर रहे हैं, हिस्ट्री में जो मिथ है, मिथ्यास है, उनको छांटना चाहिए. और फिर ये छांटेंगे आप तो ये आपकी बात आएगी कि ये वामपंथी हैं जो कह रहे हैं. वामपंथी और याम दक्षिणपंथी की बात नहीं है. जो सच है, जो सच्चाई है, उसको आना चाहिए. मैं आपका क्या मत है? देखिए पहला तो जो बात थी वो तो उसी बात है कि छोटे बच्चों के अंदर 100% उनकी लोकल लैंग्वेज में काम होना चाहिए. अब आ जाइए हिस्ट्री का मिथ एंड ट्रुथ, ये अपने आप एक बहुत एक डिबेटेबल इशू है. अब आप ही के ऊपर बात करते हैं, हम सिक्की के ऊपर ही बात करते हैं. जनरल जोरावर सिंह ईमानदारी की बात है कि हिंदुस्तान ने जितने भी मिलिट्री जनरल्स पैदा किए उनमें से मोस्ट जीनियस जनरल्स में से एक थे. कितने लोगों को पता है जोरावर सिंह के बारे में?
पता लगेगा बहुत थोड़ी चीज लोगों के बारे में, या चमकौर साहब की लड़ाई के बारे में बात करें। अब प्रश्न है कि सेलेक्टिव चीजें हैं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे। तो अब हमारा यह है कि पूरे पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर कितने लोग जोरावर सिंह के बारे में जानते हैं, जनरल जोरावर सिंह, जिनके थ्रू इवन टिबेट के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सपेडिशन रणजीत सिंह जी ने चलाया, जिनके थ्रू ऊपर भी बहुत सारे एक्सपेडिशन चलाए, आपके बाल्टिस्तान में वो गए, आपके सब जगह गए। बट रीजन इज बीइंग हर सरकार का, स्टेट का अपना एक नैरेटिव होता है, उसके अपने हीरोज होते हैं, उनके अपने हीरोज नहीं होते। तो इसके लिए वामपंथ दक्षिण पंथ की बात भी नहीं है, हर स्टेट का अपना हीरो होता है। आप ये याद रखिएगा, उन स्टेट के हीरोज को वो वेनरेट करते हैं, उन हिस्ट्री उनके अपने हीरोज को डेकोरेट करते हैं। तो मिथ एंड रियलिटी, ये हिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन है, और केवल आप ही के नहीं, ये पूरी वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, दिस इज वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। बट एनीवे सच्चाई सामने आनी चाहिए, और वो कल तभी आ सकती है, वो कल तभी आ सकती है जब आप सरकारों को इससे बाहर निकालिए। देखिए, न वाम को डिसाइड करने का राइट होना चाहिए, न दक्षिण को डिसाइड करने का राइट होना चाहिए। ये डिसाइड मैं आपको एक बात करने, महारणजीत सिंह की बात, मैं महाराजीत सिंह को हम रजवाड़ा मानते हैं, और उसने जो जो सिख असूल हैं, जो उनके समझ है, उनसे तो वो खिलाफ जा रहे हैं। देखिए, और ये और ये मिथ उनके उनकी उनकी जो उनकी मिथ है सर, वो उनको मगर हो सकता है आप रणजीत सिंह जी को तो मानते हो एक सामान्य, हमारे पास बहुत सारे इतिहास जो है, इतिहास की जो बहस है वो एंडलेस है, वो खत्म नहीं होगी। और दो प्रश्न हम लेंगे, एंडलेस नहीं है, सॉरी नहीं अभी यहाँ पे, और हमें करना पड़ेगा, ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमें काम करना पड़ेगा हमारे, बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ। और मैं अभी हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, हम दो प्रश्न और लेंगे। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे शॉर्ट में, क्योंकि सर टाइम नहीं है। हमको इतनी सी बात समझ लेनी चाहिए कि मैंने जिन पाठ्य पुस्तकों की बात करी उसमें इतिहास भी एक विषय है, लेकिन समाज शास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी है, पर्यावरण भी है, ये भूगोल भी है, ये भी है, वो भी है। हम एक इतिहास को लेकर सारी मशक्कत क्यों कर रहे हैं? वो जो भूगोल है या अर्थशास्त्र है या समाजशास्त्र है या राजनीति शास्त्र है, वो भी तो है ना सारी चीज़ें। तो ये इतिहास वाला मामला है, इसको तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो सदा इसमें डिबेट और भी हैं शिक्षा में, सही, और भी सारी चीज़ें। ठीक है, हाँ मैम, कुछ प्रश्न पूछना, आप क्या अपना प्रश्न जी। मैं इनसे सहमत नहीं हूँ कि इंग्लिश नहीं सिखानी चाहिए। आप ये देखें कि आजकल कंप्यूटर पर सारा काम होता है और उसमें सब इंग्लिश है, और इंजीनियरिंग है या मेडिकल है, सारे बुक्स इंग्लिश में लिखे हुए हैं, अभी ट्रांसलेट नहीं हुए हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी भाषा है जिसको सीखना हमारी कंट्री के लिए ज़रूरी है। हाँ, ये बात है कि बेसिक उनको अपनी मदर टंग पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और साइकोलॉजिस्ट ने ये भी पता किया है कि लैंग्वेज बचपन में ही ज़्यादा अच्छी एब्जॉर्ब की जाती है, सीखी जाती है, बड़े होकर नहीं सीख सकते। जैसे आप 8वीं से इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हो, उनको प्रोनंसिएशन सिखाना बहुत मुश्किल है। तो बचपन से ही अगर आप बेसिक 3 लैंग्वेजेस सिखाएं बच्चों को स्कूल्स में, कि एक उनकी मदर टंग है, एक नेशनल लैंग्वेज है और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, चाहे वो इंग्लिश ना हो, कोई भी भाषा कर ले, तो भाषा का एब्जॉर्प्शन बचपन में ही ज़्यादा अच्छा होगा और बड़े होकर उनको ज़्यादा मिलेगा। वैसे क्वेश्चंस मेरे पास बहुत हैं, लेकिन टाइम नहीं है, इसलिए मैं नहीं पूछूंगी आपसे अलग से। एक प्रश्न उज्ज्वलदा पूछना चाहते हैं, जर्मनी से आए हैं उज्ज्वलदा, इनको दे दीजिए, आप पूछ लीजिए, फिर उसके बाद मैं हैंडओवर कर लूँगा। ठीक है, पहला बहुत छोटा सा कमेंट है, मीडियम माध्यम के रूप में भाषा और भाषा सीखना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। और सारे यूरोप में बचपन से ही एक विदेशी भाषा जो आमतौर पर अंग्रेजी होती है गैर अंग्रेजी देशों में, वो सिखाई जाती है, नंबर एक। नंबर दो, भारत के दो महान शिक्षा शास्त्री कुमार मंगलम बिरला और मुकेश अम्बानी, इन लोगों ने 2002 में अपनी एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें एक बहुत बड़ी अच्छी बात की गई थी, और आप लोग उसी पर बात करते रहे कि प्राथमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा की प्रासंगिकता, उसे कारगर बनाना। उस रिपोर्ट की एक बहुत खतरनाक बात यह थी कि पहली बात कि स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा को अलग अलग कर दिया गया,
और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डिस्कोर्स से उच्च शिक्षा को बाहर कर दिया गया। वाजपेयी साहब ने बनाई थी कमेटी। हाँ हाँ, और मनमोहन सिंह के समय में उसे चालू रखा गया। और आपकी बहस सुनकर मुझे लगा कि मंच पर मैं एक बम फेंक दूं, मतलब वैचारिक बम क्योंकि वो जो समस्या उस रिपोर्ट में निहित थी कि एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए उच्च शिक्षा की शैक्षणिक एकेडमिक और सोशल कंस्ट्रक्ट को विकसित करना, वो आपकी बहस में बिल्कुल नहीं आया। आपको बम फेंकने की जरूरत नहीं है। मैं मजाक कर रहा था। एक तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, क्रांति के बारे में आपने बात की कि वो इस तरह से नहीं होता है। यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो रेस्टोरेटिव डेमोक्रेसी अलग अलग देशों में आई, उसको तोड़कर साविद्या विमुक्तये का की जो धारणा, वो छात्र आंदोलन से आई थी, 1968 के आंदोलन से, जिसका असर हमारी पीढ़ी के छात्र आंदोलन भी पर भी पड़ा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका जो सोशल कंसर्न उच्च शिक्षा का, उस क्षेत्र में काफ़ी कुछ किया गया। तो प्रतिरोध की शक्ति को, छात्र आंदोलन की शक्ति को, उसके एकेडमिक एस्पेक्ट को कम करके मत देखिए। बस थैंक यू दादा। मैं थोड़ा सा आपको अभी देखिए समय हो गया, एक मिनट में रेस्पॉन्ड करना चाह रहा हूँ। मैं बहुत देर से मैं सोच रहा था कि एक बात कहूँ आपसे, तो बस कुछ सेकंड की बात है। जहाँ तक इस बहस की बात है, इसमें जितना स्पेस मिलना चाहिए था भाषाओं के माध्यम के बारे में, उतना स्पेस नहीं देख करके ही मैं बात करने पर मजबूर हो रहा हूँ कि हम अपने बच्चों को शिक्षा इसलिए नहीं देते कि वो बेगाने हो जाएं, विदेशी सोच रखने लगें और अपने देश के बारे में कोई जानकारी ना हो। यूनिवर्सिटी से निकलने वाले जो लोग छात्र होते हैं, उनको ये तक नहीं पता होता, उनको विदेशी फूल और पौधों के बारे में तो पता होता है, अपने देश में कौन से पेड़ उगते हैं, कौन से फूल उगते हैं, वो पता नहीं होता। अपने देश में कितनी भाषाएं हैं, उनमें कौन कौन से अच्छे राइटर्स हुए हैं, उन्होंने क्या क्या साहित्य लिखा है, कुछ पता नहीं होता। और उनको जोर देकर के कहा जाता है कि अंग्रेजी के बड़े बड़े राइटर्स जो हैं उनकी किताबें ही पढ़ो आप, या अपने भाषाओं की किताबें पढ़ने के लिए ज़रा भी उनमें प्रेरणा नहीं दी जाती। तो ये सारी बातें हैं और इसको भी इस तरह के बहस में एक मुद्दे के रूप में बिल्कुल देखिए, जो टॉपिक था, जो आज का विषय था, उस पर बात हुई है और एक्सपर्टों ने अपनी अपनी बात कही है। एक मिनट ठहरिए। बिल्कुल सर, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ पर बम फेंकने की ज़रूरत नहीं है। नंबर वन, हमें सोचते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की जो गंगोत्री है वो शिक्षा है। जो समाज शिक्षा को उपेक्षित करेगा वो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा को अलग अलग नहीं किया जा सकता, और ख़ास तौर से उच्च शिक्षा को तो इसलिए अलग नहीं किया जा सकता कि उच्च शिक्षा की ताकत ही प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में जाती है, क्योंकि वहीं से तैयार हुआ शिक्षक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को मजबूत करता है, इसलिए उच्च शिक्षा की उपेक्षा नहीं हो सकती। नंबर तीन, हम मनुष्य हैं, मनुष्य को विकसित करना शिक्षा का काम और शिक्षा के काम है तीन चीज़ें। नंबर वन, हर विद्यार्थी के परसेप्शन को मजबूत करना। नंबर टू, उसकी एनालिटिकल पावर को मजबूत करना। और नंबर तीन, उसकी क्रिएटिविटी को मजबूत करना। परसेप्शन, एनालिटिकल पावर एंड क्रिएटिविटी, ये तीन चीज़ें हैं जो जिस समाज की शिक्षा व्यवस्था इन तीनों को मजबूत करती है वो शिक्षा ताकतवर होती है। इसमें सत्ताओं के हाथ में शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगर राजनीतिक सत्ताएं इस पर वर्चस्व रखेंगी तो नए एनालिटिकल पावर को डेवलप होने देंगी और नए क्रिएटिविटी का तो सवाल ही नहीं है। इसलिए सत्ता से जितनी शिक्षा मुक्त होगी उतना अच्छा होगा। नंबर दूसरी बात, बाजारवाद को भी नहीं। हम लोग डेमोक्रेसी के लोग हैं, जब तक शिक्षा पर अभिभावकों की डेमोक्रेटिक प्रोसेस बहुत इफेक्टिव नहीं रहेगी तब तक विद्यालय और विश्वविद्यालय
सही दिशा में नहीं चलेंगे, वरना वो बाजारवाद में लुटते रहेंगे और दूसरी सत्ता में लुटते रहेंगे। इसलिए जिस पीपुल्स पार्टिसिपेशन की डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, वो शिक्षा में वो पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है? सर, वो शिक्षा में पार्टिसिपेशन जब बढ़ेगा तब समाज की शिक्षा सही दिशा में हम जाएंगे। हमारे पास इतना ही समय था, हो गया इतने समय में जितना। सर नीचे आ रहे हैं। पीपुल, लोग, हम लोग करेंगे। हम लोग डेमोक्रेसी में, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेमोक्रेसी में जनता पर होती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर सत्ता से अपेक्षा करते रहेंगे तो हम कोई डेमोक्रेसी नहीं चला सकते। आज के लिए इतना ही था। हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। धन्यवाद सर।